ये है नमूना एक, ये छोटा सा है और दो ऊन का बना हुआ है। इसमें ना ज्यादा ऊन लगती है ना ज्यादा टाइम लगता है, जल्दी बनता है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनी हुई है ये री, और ये सीधी सिलाई में ही डिजाइन डला हुआ है। ये किस तरह मैं बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये पूरी सिलाई एक सीधी सिलाई बुना, इस तरह सीधी सीधी बुना, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी हो गई। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुने, ये एक एक इस तरह करें उल्टी। ये हमारी सिलाई उल्टी हो गई है, ये हमने सीधा डाल कर दी है, सिलाई सीधी कर दी है, सिलाई उल्टी कर दी है। अब ये मैरून ऊन ले, मैरून ऊन से इस तरह 6 फंदे उल्टे बुने, एक दो तीन चार पांच छह, 6 फंदे बुने, ऊन को पीछे कर ले, एक दो तीन चार, ये 7 फंदे बुने, 7 फंदे उल्टे बुने, अभी भी 4 फंदे ऐसे उतार लें, एक दो तीन चार, फिर उनको आगे करें। ये 7 फंदे बुने, एक दो तीन चार पांच, ये सीधे 4 फंदे सीधे बुन ले, चार फंदे सीधे उतारे, फिर उनको इस तरह आगे पीछे पीछे से आगे कर ले। ये पापा आगे फंदे जो हैं ये उल्टे बुने, तीन
चार पांच छह सात, इस तरह बनाएंगे। सात फंदे उल्टे ही हैं, धागे को पीछे लेकर के ये चार फंदे ऐसे सीधे बुन उतार लिए बिना बुने। ये सात उल्टे हैं, ये चार सीधे हैं बिना उतारे, छह सात फंदे उल्टे ही हैं। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई इस तरह बुने। एक दो तीन चार पांच छह, छह फंदे बुने। एक ये जो हमने चार फंदे जो बिना उतारे थे सीधे फंदे, उसे ऐसे उतारे दो फंदे, ये तीसरा फंदा यहाँ ले जाए, इसे बुने। ये वाला फंदा बुने, ये बुने, इसे ऐसे उतार ले। ये दो फंदे इस तरह बीच में आ जाएंगे। अब पहले ये छह फंदे बुने, एक दो तीन चार पांच फंदे बुने। पांच फंदे बुन के ये इसे उतारें ऐसी बिना बुने, फिर इसे उतार लें, इस मैरून फंदे को बुने। एक फंदा यहाँ का बुने, तो इसको ऐसे उतार ले, तो बाकी फंदे उल्टे बुन ले। ये इस तरह ये हमारा डिजाइन बन बनना है। ये वाली ऊन ले, इस ऊन से सीधा सीधा बुना, पूरी सिलाई उल्टी सीधी सीधी। ये पूरी सिलाई सीधी बुने, यही इस तरह हमारा नमूना पड़ेगा।